और चिली चिकन और हनी चिकन काफी अच्छा लगा और रीजनेबल प्राइस में है, तो सच में पसंद आएगा। ये सब होममेड है। हाँ, आप ये टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। मोमोज और बर्गर की पैटी, चिकन, आलू की पैटी, ये सब हमारी होममेड है। सॉस सारी, ये चटनी जो हम बनाते हैं, ये सब हमारी होममेड है, इसलिए हमारा टेस्ट बिल्कुल यूनिक है सबसे। नूरी लाही के स्ट्रीट फूड को यहाँ पर कवर कर रहे हैं और आज मैं आपको ऐसे खानों की जन्नत में लेके जाने वाले जिस रेस्टोरेंट का नाम ही फूड हेवन है। बेसिकली जो इस फूड हेवन के जो मालिक है वो है सलीम जी और हामिद जी। हमें थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद में पता चला कि प्रोफेशनल शेफ हामिद जी जिस रेस्टोरेंट में काम करते थे तो वो दिल्ली का फर्स्ट चाइनीज रेस्टोरेंट है जिसका नाम है पुजिया। 1969 में ये एस्टेब्लिश हुआ था और हामिद जी ने वहाँ पे कई साल अपने वहाँ पे दिए हैं। आज इतना तजुर्बा उन्हें हो चुका है कि वो 230 डिशेज बनाने में माहिर हो चुके हैं और हर डिशेज का टेस्ट जो आता है वो मुख्तलिफ ही होता है, ये बताया है उनकी वाइफ ने। तो आज हम यहाँ पर फूड हेवन का खाना खा के चेक करेंगे, इनके किचन में भी जाके देखेंगे कि किस तरह ये फूड को प्रिपेयर करते हैं, कि जैसा नाम है इसका फूड हेवन, क्या वाकई काम भी है इसका। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अब आपको यहाँ पर एड्रेस समझाती हूँ। सामने ही शीशे वाली मस्जिद है और शीशे वाली मस्जिद से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो मुनीम नहारी होटल है और मुनीम नहारी के जस्ट बराबर में ही फूड हेवन का टेक अवे रेस्टोरेंट था, यानी फर्स्ट रेस्टोरेंट टेक अवे का था और ये सेकेंड यहाँ पर इन्होंने ओपन किया है। यहाँ पर सिटिंग पूरा बंदोबस्त है और यहाँ पर दूसरी साइड पर इधर ही मस्जिद है, तो ये काफ़ी फेमस है, तो आप आराम से ईजिली आ सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, इनकी वीडियो में टेक अवे की भी बनाई है तो वो आप आगे वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं हम सलीम जी से। मेरे छोटे भाई हामिद, जिनका के चाइनीज रेस्टोरेंट का, चाइनीज का 20 साल का एक्सपीरियंस है दिल्ली के फर्स्ट मतलब चाइनीज रेस्टोरेंट से, और मेरा ऑल ओवर वर्ल्ड मतलब तकरीबन 15 कंट्री का एक्सपीरियंस है। तो हमने ये अपने इलाके के लोगों को टेस्ट कराने के लिए ये आउटलेट खोला है। तो इसके प्राइस भी काफी कम रखे गए हैं ताकि हर लेवल का आदमी आके हमारे यहाँ खाना खा सके, टेस्ट कर सके, अच्छा टेस्ट ले सके। ये मेरी मम्मा है जिनके बारे में आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमारे जो मोमोज हैं और हमारी जो स्पाइसी चटनी है मोमोज के साथ वो मेरी मम्मा बनाती हैं। मसाले जो हैं हमारे वो भी हमारे स्पेशल सीक्रेट मसाले हैं, जिसमें मैं अपने पॉपकॉर्न्स में, बर्गर में और क्रिस्पी बर्गर जो है हमारे, क्रिस्पी चिकन जो है, इनमें जो मैं अपनी मेयोनीज, और एक हमारी स्पाइसी मेयोनीज है जो उसके अंदर मैं स्पेशल इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ जिसके अंदर हमारे काफी मसाले हैं, वो आपको कहीं और टेस्ट करने को नहीं मिलेगी। हमारी उस मेयोनीज का फ्लेवर बहुत डिफरेंट है बाकी मेयोनीज से। आप मेरे डैडी इसलिए नहीं आए क्योंकि वो थोड़े शाय पर्सन है, हमने उनसे काफी जिद करी लेकिन वो नहीं आ रहे। You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. और हमारे इस रेस्टोरेंट का नाम हमारी मेरी फैमिली ने मिलकर डिसाइड किया फूड हेवन। चाइनीज का काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा जॉब पर भी, और इसीलिए उसी कॉन्फिडेंस से मैंने ये छोटा सा अपना रेस्टोरेंट खोला है। जब मैं स्पेशली हनी चिकन चिली है, बहुत फेमस है चिकन चिली है, एक मसाला चिकन है, ये थोड़ा हमने गार्लिक जिंजर का पेस्ट डाला है, इसके बाद हम इसमें हनी डालेंगे। अच्छा मैं आपको बता दूं, ये इसके अंदर गया हनी, थोड़ा सॉल्ट, सॉल्ट ये हमारा स्पेशल रेड चिली सॉस, रेड चिली सॉस, थोड़ा सा सोया सॉस, सोया सॉस, थोड़ा सा इसको रेडिश करने के लिए हल्का सा कलर यूज कर रहे हैं, कलर यूज हो रहा है। इसमें विनेगर भी जाता है? विनेगर नहीं जाता, विनेगर नहीं जाता।
डाल दीजिए। इसमें हमने क्रिस्पी चिकन डाला, चिकन हो गया इसको थोड़ा सा, मैं आपको थोड़ा सा हम तिल यूज करेंगे गार्निश के लिए। ये हमारा हनी चिकन रेडी हो चुका है। अभी ये बॉयज यहाँ पर खाने के लिए आए हैं और इन्होंने करा है ये हनी चिली चिकन और मसाला चिकन जो भी मैंने खाया है, और ये काफी बेहतरीन बता रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं जो टेस्ट जो रेस्टोरेंट में मिलता है तो वो यहाँ पर इन्हें मिल रहा है, तो वो भी रीजनेबल प्राइस में। सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि रीजनेबल प्राइस में ये टेस्ट मिला है। मेरा नाम अब्दुल्ला फारूकी। कैसा टेस्ट है? टेस्ट आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मैंने काफी जगह ट्राई करा है बट नाइस। यहाँ पर चिली चिकन और हनी चिकन काफी अच्छा लगा और रीजनेबल प्राइस में है, जो आपको ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगेगा, चीप प्राइस है यहाँ के हिसाब से, काफी आप अच्छे से खा सकते हैं यहाँ पर आकर। और आई थिंक सो ये एरिया जो है नूरिला ही कहलाता है ना यहाँ पर, तो आप आए और सब लोग एक बार जरूर ट्राई करें और आपको सच में पसंद आएगा। इसका नाम क्या है? ये हमारे चीजी पॉपकॉर्न है। चीजी पॉपकॉर्न जी। ओके। क्रीम है मायोनीज? ये मेयोनीज है, ये हमारे स्पेशल मेयोनीज है, स्पाइसी स्पाइसी जी। स्पाइसी मेयोनीज के बाद में अब जाएगा इसके ऊपर से चीज़, और ये चीज़ ना इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है जब जाता है। और इसकी ख़ास बात यह है कि अभी ये मेल्ट होएगा तब आप देखना इसका लुक कितना प्यारा आता है। okay. ये रेडी हो चुका है जी, तो हम इसे फायर से मेल्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़ जो है फायर से मेल्ट हो रहा है, और मैं आपको बता दूँ ये चिकन के छोटे छोटे पीस है जिसे इन्होंने पहले ही फ्राइड कर लिया था, और अब जो इसके ऊपर से मायो डाली है ना और इसके ऊपर से चीज़ मेल्ट होके जब कोई बंदा इसे खाता है तो वो वाकई ये कहता है कि हमें ये दोबारा चाहिए। आई मीन इतना बेहतरीन इसका चीज़ी पॉपकॉर्न का टेस्ट लगता है और हर चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रेश है। ओरिगैनो जी। ओके। हाँ, ये रेडी हो गए। मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है, मतलब आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से अलीशवा ने इसकी प्रिपरेशन करी है, और खाने के बाद पता चलेगा ये कैसा है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ एक के बाद एक ऑर्डर यहाँ पर माशाल्लाह से आए जा रहे हैं, तो यहाँ पर चल रही है कुरकुरे मोमोज़ की प्रिपरेशन। और मैं आपको बता दूँ महाराजा बर्गर इनका काफ़ी फेमस है, जो साइज़ में काफ़ी बड़ा है, तो उसकी भी हम प्रिपरेशन देखेंगे कि किस तरह अलीशवा उसे रेडी करती हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या है? उसके अंदर ब्रेड क्रम्स हैं और कॉर्नफ्लेक्स है। कॉर्नफ्लेक्स है, और ये चिकन क्या है ना जी? ये हमारे कुरकुरे मोमोज है, हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। ठीक है, चलते हैं डीप फ्राई देखते हैं क्या क्या जाता है, इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो इसके अंदर। तंदूरी मसाला जाता है इसकी जो डिप बनती है उसके अंदर, और बाकी जो इसकी ऊपर से कोट होता है ये ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लेक्स से होता है, और अंदर स्टफिंग हमारी इसके अंदर चिकन की। अब जा रही इसके ऊपर से मायो, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुरकुरे मोमो रेडी हो रहे हैं। और मैं थोड़ा सा आपको अलीशवा के बारे में बताती हूँ। अलीशवा काफ़ी अच्छी शेफ़ है, मुझे इनके बारे में पता चला है कि भाई ये मसालों के साथ में ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि मतलब जब कोई खाता है ना इनके बनाए हुए हाथ की चीज़ तो वो डेफिनेटली खाते ही रह जाता है। और आप जैसे कि लाइव भी देख रहे हैं, ये सारा अलीशवा रेडी कर रही है, और ये इनकी मतलब नॉलेज में है कि कौन से मसाले किस टाइम पर मिक्स करने हैं। तो ये काफ़ी अच्छे मोमोज रेडी हो चुके हैं, और ये 100 के 10 पीसेस आते हैं, और इसका साइज़ भी इन्होंने काफ़ी बड़ा रखा है, तो ये ना आप देख सकते हैं। अब बना है इनका महाराजा बर्गर, और मैं इसके साइज़ के बारे में बता दूँ, ये काफ़ी लार्ज साइज़ इन्होंने महाराजा बर्गर का जैसा नाम है तो वो दिया है इसे। और ये डबल चिकन की पैटी रखी है, चीज़ है, मेयोनीज है, और पेरी पेरी मसाला है इसके अंदर, तो काफ़ी स्पाइसेस तो इसके अंदर गए हैं, लेकिन इसका जो लार्ज साइज़ है वो तो आप जब ये पूरी तरह बन के रेडी हो जाएगा तो देखेंगे। इसके ऊपर से ये मायो गई है, और इसका नाम ही महाराजा बर्गर है, जैसा नाम है इसका महाराजा बर्गर। तो आप यहाँ पर साइज़ तो आगे देखेंगे कि किस तरह कितने साइज़ में ये रेडी हो रहा है, बट अभी के लिए जा रहा है इसके अंदर सीजनिंग मसाला, और इसके अंदर डबल सारी चीज़ें डाली हैं अलीशवा ने, और ये पूरी तरह से अब ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, और इसे खाने के लिए भी ना काफ़ी बड़ा मुँह खोलना पड़ेगा। इसका साइज़ आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन साइज़ यहाँ पे दिया है, और विद चिकन की पैटी। तो मेरे पास में आ चुका है फूड हेवन का
ये खाना और आप ये देख सकते हैं इसकी प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तो लग ही रही है, लेकिन अब खाने के बाद में पता चलेगा यहाँ पर ये किस तरह की इन्होंने डिशेस तैयार करके दी है। तो सबसे पहले जो पर फूड हेवन के जो जो मैंने आइटम ट्राई करे हैं वो टेस्ट में कैसे हैं और उनकी प्रिपरेशन कैसी थी वो तो आप देख ही चुके हैं, हर से एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। बिकॉज ऑफ इतनी सारी डिशेस थी और नॉइज भी काफ़ी सारा आ रहा था, तो मैं आपको इस वीडियो में घर से ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि मैंने फूड हेवन की जो डिशेस ट्राई करी हैं तो वो क्या क्या ट्राई करी हैं। सबसे पहले जो हमारे सामने थे, मैंने नोट डाउन करके रख रखा, सबसे पहले जो हमारे सामने थे तो वो है चिकन फ्राई मोमोज, चिकन कुरकुरा मोमोज। जो मैंने सबसे पहले ट्राई करा है वो है चिकन फ्राई मोमोज, और चिकन फ्राई मोमोज हल्के से फ्राई थे, ज़्यादा फ्राई नहीं थे, और इसके अंदर जो स्टफिंग थी तो वो थी चिकन की स्टफिंग, और इसमें जो मसाले डाले गए थे स्टफिंग में तो वो लाइट मसाले डाले गए थे, और ये चिकन फ्राई मोमोज बहुत टेस्टी लगे बिकॉज ऑफ लाइट स्पाइसेस के साथ में। जब आप ये चिकन मोमोज खाते हो सॉस में डिप करके तो भाई ये ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना देते हैं आपको। सेकंड जो मैंने इनके चिकन कुरकुरे मोमोज खाए हैं वो कुरकुरे मोमोज जो आपको काफ़ी क्रंची लगेंगे खाने में, और ये फ्राई भी काफ़ी बेहतरीन थे। इसके अंदर जो स्टफिंग थी वो भी चिकन की थी, लेकिन इसमें थोड़े से हल्के से स्पाइसेस ज़्यादा थे, इतने ज़्यादा भी नहीं थे जो मतलब आपको स्पाइसेस लगे, बहुत ही लाइट स्पाइसेस थे, चिकन फ्राई से थोड़ा सा लेवल हाई था। इन चिकन कुरकुरे मोमोज का खाने में कैसे थे, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थे, और मैं आपको बता दूँ इसके साथ दो तरह के सॉसेस देते हैं जिन सॉसेस के साथ में इन्होंने अपने मसाले डालकर इसका टेस्ट ऐसा बना रखा है, जब आप उसे खाते हो ना मोमोज के साथ में, चाहे फ्राई मोमोज हो या स्टीम मोमोज हो या कोई से भी मोमोज हो, तो इसका टेस्ट ही मज़ीद बढ़ा देते हैं। इसके बाद जो मैंने खाया है तो वो खाया है चिल्ली पोटैटो, और चिल्ली पोटैटो मैंने बहुत सारी जगहों पर खाया है लेकिन मुझे अभी तक ऐसा टेस्ट नहीं मिला है जो फूड हेवन की तरफ से मिला है। मैं आपको बता दूँ उसका रीज़न क्या है, बिकॉज जो सॉसेस चिल्ली पोटैटो में आजकल बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो लगता ही नहीं है वो चिल्ली पोटैटो, ऐसा लगता है जैसे हम पता नहीं क्या खा रहे हैं, लेकिन जो फूड हेवन की तरफ से जो चिल्ली पोटैटो के अंदर जो सॉसेस डाली गई हैं, जो मसाले यूज़ करे गए हैं वो एकदम फ्रेश हैं। सेकंड थिंग, इनके जो मसालों के साथ में इन्होंने कुछ अपने मसाले भी ऐड कर रखे हैं जो इसके टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। चिल्ली पोटैटो ऐसा था कि वाकई मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैंने आज चिल्ली पोटैटो खाया, वरना तो ऐसा लगता है कि हाँ अभी तक मैंने चिल्ली पोटैटो नहीं खाया है, इतना बेहतरीन इसका टेस्ट था। बहुत अच्छे से फ्राई कर रखे थे और बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत बेहतरीन तरीके से अंदर सॉसेस डाली गई थी, जब आप खाते हो ना तो वाकई आपको लगता है कि हाँ आपने चिल्ली पोटैटो खाए हैं। इसके बाद जो मैंने खाई थी तो वो खाई थी चिकन चाउमीन, और ये चिकन चाउमीन मुझे ना काफ़ी बेहतरीन लगी बिकॉज ऑफ इसके अंदर ज़्यादा मसाले नहीं डाले गए थे, ये ना ऐसे मसाले इसके अंदर डाले गए हैं जो हर किसी को पसंद आने वाले हैं, बिकॉज ऑफ इसका स्पाइसी से कोई लेना देना नहीं है, इसमें स्पाइसेस ऐसे डाले गए हैं जो हर किसी को तो पसंद आने वाले हैं, स्पेशली बच्चों के लिए उनके साथ में तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं और उन्हें चिकन भी चाहिए, तो ये चिकन चाउमीन ऐसी चाउमीन हर बंदा खा सकता है, और ये आप जब खाएंगे ना तो आपको हैवीनेस फील नहीं कराएंगे। ये चिकन चाउमीन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। इसके बाद जो मैंने खाए थे हनी चिकन, मैंने फर्स्ट टाइम खाया है, और मैं आपको बता दूँ हनी चिकन के बारे में, ये ऑस्ट्रेलियाई स्वीट डिश है जो इंडिया में आ चुकी है, और बेसिकली इसका रिच फ्लेवर कहा जाता है, और जब आप खाते हो ना, और ये हनी चिकन ऐसा है हल्का सा क्रिप्सी है, हल्का सा क्रिप्सी है, ज़्यादा भी क्रिप्सी नहीं है, और इसमें ओरिजिनल हनी डाला गया है, प्लस इसके अंदर कुछ ऐसे स्वीट मसाले डाले गए हैं, स्वीट ज़्यादा पसंद है ये उन सभी के लिए है, अगर आप किसी के यहाँ पर जा रहे हो या खुद स्वीट खाना पसंद करते हो तो आप ये चिकन में खा सकते हो, इसका इसके अंदर जो फ्लेवर है तो ये आपको स्वीट फ्लेवर देगा प्लस रिचनेस फ्लेवर देगा। चिकन मेरा फेवरेट हो चुका है बिकॉज ऑफ इसका टेस्ट नहीं भूल सकते आप, इतना बेहतरीन का टेस्ट है। इसके बाद जो मैंने खाया है वो है क्रंची चिकन बर्गर, और ये क्रंची चिकन बर्गर मैं आपको बता देती हूँ, जब अलिशपा इसे तैयार कर रही थी ना मेरे मुंह में जब भी पानी आ रहा था, इसके अंदर जो पेटी थी वो चिकन की थी और वो काफ़ी क्रिस्पी थी, ऊपर से इसके अंदर इन्होंने मसाले ऐसे डाल के दिए, चीज़ की लेयर लगा के दी थी इन्होंने इसके ऊपर, और इसके अंदर सीजनिंग मसाला गया, इसके अंदर पेरी पेरी मसाला गया, और ये चिकन बर्गर जब आप खाते हो ना तो आपको
टेस्ट ऐसा मिलता है कि आप पूरी दिल्ली में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मुझे तो ये वाकई लगता है कि पूरी दिल्ली में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑफ मैंने खाया ही नहीं तो मैं बता भी नहीं सकती। मैंने फर्स्ट टाइम ही क्रंची चिकन बर्गर फूड हिवन पे ही खाया है, इससे पहले मैंने कभी भी चिकन की पेटी के साथ में चिकन बर्गर नहीं खाया है। वैसे बर्गर खाए हैं चिकन बर्गर, बट चिकन की पेटी के साथ में नहीं खाया। इस चिकन बर्गर को मैं आई थिंक नंबर आपकी स्क्रीन पे मेंशन हो जाएंगे कि मुझे कितना पसंद आया। चिकन फ्राइड मसाला मैं इनका पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ और ये चिकन फ्राइड मसाला ऐसा है कि आप इसका टेस्ट नहीं भूल सकते। ये सीरियसली बताऊँ ना, इनकी अपनी इज्जत की हुई चिकन फ्राइड मसाला है। ज़्यादा टेम्पटिंग और बढ़िया लग रहा है देखने में, तो यहाँ पर ऐसे खाते हैं तो इसे खा के चेक। ये आपको पूरी दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑफ जो इन्होंने चिकन के साथ में जो किया है तो वो ऐसा है कि इन्होंने अपने मसाले तो डाल ही रखे हैं, इसके अंदर जो टेस्ट मिला है तो वो इंडियन मसालों को मिला। आपको इसके अंदर इंडियन मसालों को टच मिलने वाला है, आपको इसके अंदर क्रिस्पीनेस मिलने वाली है जब आप। और भाई मैं क्या कहूँ, फ्राइड चिकन मसाले को मतलब इतना बेहतरीन इसका टेस्ट है। इसके अंदर देखिए, जब आप खाएंगे ना इसे देखकर आप एक्साइटेड तो होने वाले हैं, इतना बेहतरीन इसका टेस्ट है, तो इसे ऑर्डर लाजमी। अच्छा जी, मेरे पास में यहाँ पर आ चुके हैं चिकन मोमोज, तो इसे यहाँ पर खा के देखते हैं। और ये चिकन मोमोज आपको दिखा देती हूँ मैं, एक मैं खा भी चुकी हूँ तो इसे खाते हैं यहाँ पर कैसा है कैसा नहीं। तो पहले मैं तो खा लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर काफी नॉइज आ रहा है, तो उसकी वजह से मुझे परेशानी हो रही है थोड़ी सी। तो इसे लगाते हैं यहाँ पर हम और इसे खाते हैं। तो यहाँ पर ये देखेंगे, और ये इनकी स्पेशल सॉस है जो इन्होंने खुद उसके अंदर स्पाइसेस मसाले डाल के इन्होंने यूज कर रखे हैं, तो इसे यहाँ पर खाते हैं। चिकन मोमोज के बारे में यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये चिकन मोमोज खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं, और उसका रीजन ये है कि जो इसकी लेयर है वो बहुत ही ज्यादा थीन है, ज्यादा मोटी लेयर इसके अंदर नहीं है। और सबसे अच्छे मोमोज की पहचान यही होती है कि जो उसकी लेयर होनी चाहिए वो बहुत ही ज्यादा थीन होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूं इसके अंदर स्टफिंग की, तो चिकन की स्टफिंग है जैसे कि हम सभी जानते हैं, और इसके अंदर जो मसाले डाले गए हैं वो भी मसाले ज्यादा हैवी नहीं डाले गए हैं, लाइट मसालों को इसके अंदर यूज करा गया है। और जब आप खाएंगे तो आपको बिल्कुल भी हेवी फील नहीं होगा, लाइट ही फील होगा। खाने के बाद में भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने बहुत ही ज्यादा हेवी मोमोज खा लिए हैं। और ये टेस्ट ऐसा दे रहे हैं, जब आप फर्स्ट टाइम खाओगे तो आप डेफिनेटली इसे दोबारा जरूर खाओगे। सेकंड थिंग, ये खुद ही शेफ है, मसालों के साथ में अच्छे से खेलना जानते हैं कि किसके साथ में क्या मिलाना है और लोगों को क्या पसंद आना है। तो इनके माइंड में यही है कि लोगों को क्या पसंद आएगा उसी के हिसाब से ये डिशेज ईजाद करिए। जब भी कोई वहाँ पर जाता है नूरी लाही में और जब वो खाता है तो वो दोबारा इंसान लाजमी ज़रूर जाएगा, बिकॉज ऑफ क्वान्टिटी भी अच्छी है और क्वालिटी भी अच्छी, प्राइस भी इनके काफी मुनासिब है। कुल मिलाकर यह है कि सर्व करनी है ऐसी डिशेज जो लोगों के बजट में हो, और हमें अपनी डिशेजों में टेस्ट देना के माइंड में ये होगा कि हमें अपनी डिशेजों में टेस्ट देना है, तो वाकई वो करके भी दिखाता है। तो ये फूड हिवन के ये खाने हैं जो मैंने आज ट्राई करे हैं। मैं इनकी वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, ये दो पार्ट में मेरी वीडियो थी जो मैंने पूरी तरह से कम्प्लीट करी है। उसका रीजन ये है, जो पहले इनकी शॉप थी वो आउटलेट थोड़ा छोटा था, अब थोड़ा सा बड़ा हुआ है, तो इन्होंने वहाँ पर जाकर दो तीन दिन लगे आउटलेट को सेट करने में, तब जाके ये वीडियो मुकम्मल हुई है। बिकॉज ऑफ खाने तो इतने सारे हैं और उन खानों में इतना टेस्ट है, जब आप खाएंगे तो आपको डेफिनेटली एक अलग डिफरेंट टेस्ट मिलने वाला है, प्लस रिजनेबल प्राइस के साथ में। तो ये वीडियो के अंदर मुझे लास्ट में बताना था जो मैं आपको बता चुकी हूँ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो मस्ट लाइक सब्सक्राइब करना, दुआओं में याद रखना, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।